देखिए, जनता ने प्रधानमंत्री जी को 2014 से आशीर्वाद देके फिर 2019 में भी जनता ने भरी पूर्ण बहुमत से आशीर्वाद दिया है। जैसे मैंने कहा कि पहले एक एम्स था, अभी हमारे 23 एम्स है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत तेज हो रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बड़ा बयान दे दिया है। साफ शब्दों में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो प्रधानमंत्री या तो राहुल गांधी बनेंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। इसको लेकर सियासत तेज है। तमाम जो दल के लोग हैं वो बयान दे रहे हैं, पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बिहार पहुंचती है और उन्होंने भी अपना बयान दिया है। इस पर उन्होंने अपना जवाब दिया है। पहले देखिए, केंद्रीय जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, वो बिहार पहुंचती हैं और पटना पहुंचते ही देखिए, जब सवाल किया गया क्या कुछ जवाब दे रहे, किस लहजे में बता रहे, पहले आप वो सुने। कल हमारी एम्स पटना में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। उस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उस समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित करेगी और ये हमारा वो एम्स है जो आदरणीय अटल जी ने एक सपना देखा था कि एम्स की शाखाएं बढ़नी चाहिए और पटना एम्स हमारा वो एम्स है जो पहले 6 एम्स थे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने और एम्स बढ़ाए और आज देश भर में पूरी एम्स की संख्या 23 हो गई है। उसमें से कुछ फंक्शनल है, कुछ अभी उनका काम चल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एम्स पटना एक बहुत अच्छा हमारा एम्स देश की सेवा में, लोगों की सेवा में अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए और मेडिकल छात्राओं को अच्छा एजुकेशन देने की दृष्टि से काम कर रहा है और हम उसके अनेक विभागों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। कांग्रेस हमेशा दावा ठोक रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को जो है पीएम बनेंगे। देखिए, जनता ने प्रधानमंत्री जी को 2014 से आशीर्वाद देके फिर 2019 में भी जनता ने भरी पूर्ण बहुमत से आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है कि जनता ने ठान लिया है, मान लिया है, जान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 9 साल से जो देश का विकास, जैसे मैंने कहा कि पहले एक एम्स था, अभी हमारे 23 एम्स है। वैसे मैं कहने लग जाऊँ तो मेडिकल संख्या, मेडिकल कॉलेज की संख्या, यूजी सीट्स, पीजी सीट्स, ऐसे अनेक विकास योजनाओं की परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो देश ने बहुत अच्छा विकास देखा है और जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखती है और जनता का विश्वास है कि जो देश को आगे लेके जाएगा उसी के साथ जनता खड़ी है और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास है। धन्यवाद। दरभंगा एम्स को लेकर सवाल किया जा रहा है, दरभंगा में एम्स आप लोगों ने घोषणा कर दिया, अभी तक बना नहीं है। यहाँ पर जो सत्ताधारी दल है कह रहा है कि जानबूझकर आप लोग नहीं बनने दे रहे। देखिए, जब भी एम्स किसी भी राज्य में देते हैं तो उस राज्य की तरफ से वहाँ का लैंड एक्विजिशन हो, पानी का व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था हो, तो राज्य की भी अपनी एक भूमिका रहती है और इस दृष्टि से सभी राज्य उसमें सहयोग करें, ये केंद्र की भूमिका है। मुझे लगता है ये सभी राज्यों पे लागू होता है। एक आखिरी सवाल है, महुआ मोइत्रा पे जो आरोप लगा है कि पैसे लेकर जो है सवाल पूछती है, इस आरोप को कैसे देखती है, क्योंकि लोकसभा के पास भी ये मामला गया है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हम विकास की रणनीति कार्यरीति जानते हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी आपने सुना है किस तरीके से जवाब दिए, उतना ही नहीं, दरभंगा एम्स को लेकर सियासत तेज होती है, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखी है, क्या कुछ कर रही थी आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।